ये अच्छी बात है, तू पंडोकर सागर की शरण में आया है। शांत रह भैया, अब ये पंडोकर सागर की अदालत में है। आप वास्तविक जिंद हो? क्यों नहीं हो ना, तो इन लोगों को आज तक क्यों बेवकूफ बनाते रहे? मुझसे बोलिए, देखिए संवाद हमसे हो रहा है। इतने बड़े तुम VIP नहीं हो कि मैं तुम्हें इतने देर दो पिठी में ठोके तुम्हारे सब भूत निकल जाएंगे एक बेर में। मैं बाल से रहने दो सर, बाल से हमारा छल्ले। हाँ मेरी बात सुनो, तो आप कौन से जिंद हो, कौन से कब्बीस हो? झूठे बातल भूत विवश मत वारे, जे नहीं बोले बचन बिचारे। हमें चले आए तुम सिखावे, प्राइमरी के विद्यार्थी हो, कहूँ के ऐसे नहीं हो तुम, के बहुत बड़े हो गए, हम आपको तुम्हें टाइम लगाना पड़े। आपका परिचय, आप डाकनी और साकनी के रूप में हो ना? मुझसे बोलिए हाँ या ना, आप डाकनी साकनी हो ना? मुझसे बोलिए हैं, कौन है आप? हेलो कौन है आप? लेटा लेटी नहीं, मेरे से बात करिए। आप डाकनी साकनी हो या जिंद खबीज हो, कौन हो? जल्दी बोल। जी बोलिए, आप डाकनी साकनी है? मौसे बोलिए, क्या हूं? क्या हो? एक बार पंडोकर सरकार जयकारा बोलो ये सब लोग। बोल सच्चे दरबार की, बोल पंडोकर सरकार की, बोल आदिवान महाराज की। जी हाँ बोलिए, आप कौन है? आप कौन है? हाँ बोलिए बोलिए, कौन है जल्दी बताइए, कौन है आप? अपनी बेइज्जती कराना है आपको? बेइज्जती कराना है क्या? नहीं कराना तो पहले जयकारा बोलो, बोलो पंडोकर सरकार की जी। ये तो क्लियर हो गया कि तुम मुसलमान नहीं हो, ठीक है, और जिंद जितने होते हैं वो मुसलमान होते हैं। अच्छा तो आप डाकनी साकनी है ना? मुझसे बोलिए कौन हो? आप बोलिए कौन हो? कौन हो जल्दी बोलिए, इसकी आवाज ऊपर निकालो, माइक क्या करना चाहिए, इसका गला खोल दिया जाए। हाँ आप डाकनी है या साकनी है बताइए। देखिए आप डाकनी है या साकनी बताइए। इसका तत्काल गला पूर्णता रूप से खोल दिया जाए, इसमें किसी प्रकार की कोई भी नौटंकी, कोई भी माया शक्ति नहीं चलना चाहिए, और इस बेटी के शरीर को तत्काल रूप से निरोग कर दिया जाए, इसकी संपूर्ण बाधा को हटा दी जाए, और उसके मुखारविंद से दोनों नाम जो सत्य हैं वो सामने निकलना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शरण में तो आए हो, अच्छी बात। उठ के बैठ। हाँ कौन है आप? देखिए जल्दी बोलिए कौन है आप? अपना नाम नहीं जानते हो? नाम नहीं जानते अपना, कि नाम देने में दिक्कत होती है? जल्दी बताइए आप कौन है? इसको मत थानिए। ओम राम ह्रीम ह्रूम हूम पंडोकर सका सदगुरुदेव फटकुरु स्वाहा। तत्काल अपना नाम बताइए। हाँ जल्दी से अपना नाम बताइए, कौन है आप? माता जी आप इसके गले पर हाथ रख दीजिए, दाना हाथ गले पे ऐसे ऊपर को हाथ रखते ऐसे दाना हाथ से रख दीजिएगा, ऊपर को। हाँ आप बोलिए उल्टा ऐसे। हाँ बोलिए, माइक लगाइए। हाँ कौन है? बोलिए कौन है आप? जल्दी बोलिए। कौन है? हाँ बोलिए, क्या बात है? हाँ बोलिए बोलिए, डरो मत घबराओ मत, इसकी आवाज पूर्णता खोल दीजिए। जी हाँ हाँ, आप डाकनी साकनी है ना? अपना परिचय देकर के जयकारा बोलिए। बोलिए पंडोकर सरकार की, आप डाकनी साकनी, आप पंडोकर धाम में रहना चाहते हो, तो आपने मुझसे नाम बताइए।
पहले आप डाकनी हो समय या साकनी, जल्दी बोलिए। ये आतिमान महाराज का कवच लग गया है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। कपिल। हाँ कपिल। क्या बोला? कपिल। 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 मेरी जय देव। हाँ ये तो आप भतीजा है, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो मरा था। अच्छा ये कपिल है। ओहो। और जो आपके साथ में जो दो लोग और हैं, तो आप तो मेरी बात सुनिए, आप कपिल हैं साथ बेटा गुड़िया उस आ गया आपको इतना पास रखे हो, आगे बंद करिए। ओम राम ह्रीम ओम पंडुक सतगुरुदेव ओम फटकुरी स्वाहा। वापिस रिटेन एकदम तेजी से। कपिल भाई, ये आपके साथ आपको आने में बाधा जिदार रहे हैं, तो ये आपके साथ में कौन कौन है ये दो लोग? कपिल जी मेरी बात सुन रहे हो? सुन रहे हो मेरी बात? हाँ आप हमारे पंडुकर धाम में रहोगे, यहाँ का प्रसाद पाओगे, यहाँ की पूजा पाठ में रहोगे, तो आप रहोगे कि संग अपने पार्टनरों को भी रखोगे? हाँ देखिए बहुत हो रहा है, पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है, ध्यान रखना, और बगड़ गया ना तो डूब जाओगे, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा चले गए, बड़ा अच्छा छंद है, फिर आके बंद करना वापस रिटेन रिमोट। मैं भलाई पूरा समय इसी को दूंगा, लेकिन फाइनल करूँगा। गबड़ा नहीं दादा, आज के बाद इसको कुछ होगा नहीं। दादा रो मत, तत्काल डाकनी साकनी को उपस्थित करा करके शरीर के मुखारविंद से कपिल के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, जो भी हुआ है, उसको मैं बाद में देखूंगा। एकदम तो इसे शांत रहिए भैया। सुन, इस बेटी को आज के बाद परेशान मत करना, पक्का वचन दे, बोल नहीं कुछ नहीं करूँ। नहीं, सबके सब ही रहोगे, डाकनी साकनी सहित। कौन कौन बोलिए, ना बोलिए, डाकनी साकनी सहित। हैं कौन कौन, नाम बोलिए जल्दी बोल। तब नमस्कार कर लूँगा, ले देख। इसको प्रणाम करते हो, मरना है क्या? क्या दिख रहा है जल्दी से बोल, क्या दिख रहा है? कृष्ण जी। कृष्ण जी। मरना चाहते हो, चल प्रणाम कर। जय श्री राम। स्क्रीन पर छोड़ दे, देखो पर्ची पे डाकनी एवं साकनी नामक शक्ति है, अघोरी जिंद के साथ में ये डाकनी साकनी दोनों श्री कृष्ण के अधीन है। किसके अधीन है? और इस बेटी ने अभी किसका नाम लिया? अभी किसका नाम लिया? दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? क्या दिखाई दे रहा है बेटा? इस सामने देखना, पूरी जनता को देखो, खड़े होकर देखो, खड़े होकर देखिए बेटा, सभी जनता एक सेकंड के लिए खड़े हो जाए,
खड़े हो जा बहन, ले खड़े हो जा, ले बगल हाथ चल, बट आंखें बंद कर। जय श्री राम, जय श्री राम। दृष्टि खोल दी जाए। बेटा क्या दिखाई दे रहा है सब? माइक से बोलिए, बताओ माइक, माइक लगाओ, सब क्या दिखाई दे रहे हैं? श्री कृष्ण कहाँ है? स्क्रीन पकड़ के दिखाओ, बोल सच्चे दरबार की। ये दुनिया हमारी है, ये रंग हमारा है, ये मंच हमारा है, तुम्हारी औखादी क्या है? खेल खेल होते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? डाकनी साली साला मौसे नहीं बोल रही है, इसकी औखाद है? देख यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है सामने, ये कौन लोग बैठे हैं पीछे? देख श्री कृष्ण, वहां सामने कौन खड़े? देख श्री कृष्ण, यहाँ कौन खड़े हैं? कृष्ण जी। यहाँ सामने कौन खड़े हैं जो हाथ उठा रहे हैं? उठाइए हाथ। कौन दिख रहे हैं ये लोग? कृष्ण जी। वहां बोलिए सबको, क्या दिख रहा है? कृष्ण जी। अरे सन, ये ले तेरा कपिल और तेरे दोनों लोग ये हैं। देख देख यहाँ पे आते, क्या दिख रहे हैं? कृष्ण जी। ये क्या दिख रहा है? चक्र। चक्र। बोलो भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण की जय। मैं कोई भगवान नहीं हूं, जाओ आज के बाद इस बेटा को कांटा भी नहीं छुपेगा, जाओ आशीर्वाद है। दृष्टि पराशक्ति बिलहे ब्रहे ब्रहे ओम फट श्री राम श्री हनुमत विराशी पंडुक। बेटा एक बार देखना सबको, क्या दिखाई दे रहा है? कृष्ण जी। हाँ सब देख, ये क्या दिख रहा है ऊपर? क्या दिख रहा है यहाँ सामने? माइक से बोलिए, कृष्ण जी कहाँ है? कृष्ण जी ये क्या दिख रहा है? छड़ी है ना, ये क्या है? चक्र। ये क्या चीज है? जेम से दिखाना भैया, कोई निकाल के कौन का चीज दिखे, दिखाना उनको। ये क्या लिया हाथ में? देखो क्या लिए? फोन। ये क्या लिए? कौन लिए? श्री कृष्ण जी लिए हैं। हर चीज दिख रही है लेकिन क्या दिख रहा है? पर्ची में क्या लिखा है? जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए परम पूजपा सतगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज की जय। दृष्टि वापस, बेटा देखना क्या दिखाई दे रहा है? माइक से बोलिए, लोग दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? लोग दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं। बैठ जाओ भैया, लोग जाओ बेटा, हाथ धो कुल्ला करो। एक मास 11 दिन यहाँ रहना है। पेपर देना जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? देना चाहते हो पेपर? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। पेपर देना है, देना है। फिर उसके बाद एक मास 11 दिन रुकोगे? जाओ हम इनको अगले महीने तक की छुट्टी देते हैं, अगले अमावस्या तक। 27 शांत बैठ, शांत बैठो, नहीं उठा के बाहर निकालो इनको। एक महीने की मैं आपको छुट्टी देता हूं, एक में, क्योंकि करियर का सवाल है इस बेटी का। पेपर तो दे ही ले, पास तो होने वाली नहीं है, लेकिन भाई हम पे दोष ना लगे। अब मोड़ी कह रही है हमें पेपर देना है, तो पेपर दिलवा दें? पेपर देना है, पेपर दे करो का पास हो जाओगी? भाई पास करवा, पहले सिलाई कर लो आप। पेपर देना है, पेपर देना है, पेपर देना है, पक्का? बिल्कुल पेपर देने है। आंखें बंद करना, हाँ पेपर देना है। हाँ जी पक्का? बिल्कुल पक्का पेपर देना है। चलो दे लो भैया, एक आइए संत भगवान की जय। कृषि छोड़ो, आइए संत भगवान, स्वागत। बोलो संत भगवान की। जाओ आओ जी, प्रणाम। अगले एक महीने तक के लिए, अगले मौसम की तारीख की है, 1 तारीख को यहाँ आ जाना। हाँ बोलो, नहीं ये तो आप बताओ, माइक से क्या कह रही हो? माइक दो, माइक दो, माइक दो मम्मी को, बोलो क्या बोले।